हेलो माय डियर स्टूडेंट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूटी यूजी 2022 के जो फॉर्म फिलअप की डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं फिलअप किए उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और वो लास्ट डेट क्या की गई है उसको देखा जाए कि लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पे CUET की वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहाँ पे पब्लिक नोटिस पे क्लिक करेंगे तो एक नया हमारा PDF खुल के आएगा। उस PDF पे देखें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यहाँ पे देखें, PDF खुला और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट यानी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है। और ये एग्जामिनेशन NTA कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। और रजिस्ट्रेशन CUET 2022 इन प्रोग्रेस पे है और ये उसकी वेबसाइट दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया इन कंटिन्यूएशन ऑफ द पब्लिक नोटिस डेटेड ऑन 6/4/2022 एंड पर्सुएंट टू द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET 2022। अब वो एक्सटेंशन डेट जो दिया गया है, डेट क्या एक्सटेंड की गई वो देखिए, क्या क्या डेट एक्सटेंड की गई है। तो जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट कर दिया गया है 22/5/2022, यानी अब आप 22 तारीख तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो फीस की जो पेमेंट है, लास्ट डेट फॉर द सक्सेसफुल फीस पेमेंट उन्होंने दिया है 22 तारीख तक। एंड करेक्शन विंडो जो मिलेगा अगर आपने कोई गलती फॉर्म में की गई है तो 25 तारीख से लेके यानी 25 से लेके 31 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं कि अगर आपने फॉर्म फिलअप किया और कोई भी मिस्टेक आपसे हो गई है तो उस फॉर्म में भी आप करेक्शन कर सकते हैं। और उस करेक्शन की जो डेट दी गई है वो दी गई है 25 से लेके 31 तक, ठीक। फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि फर्दर इट हैज बीन इन्फॉर्म दैट कि एलिजिबिलिटी ऑब्लिक मैपिंग ऑफ द टेस्ट ऑफर अंडर द CUET वाज रिवाइज्ड, यानी कुछ इंफॉर्मेशन CUET में रिवाइज किए गए हैं। फॉर फ्यू यूनिवर्सिटीज या पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कुछ मॉडिफिकेशन किए गए यूनिवर्सिटीज में, कुछ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन में, द रिवाइज मैपिंग इज ऑल्सो डिस्प्ले ऑन द, आपको वेबसाइट पर चीजें फिर मिल जाएगी। सम कोर्स ऑफर बाय द यूनिवर्सिटी PI वर ड्रॉप बाय देम, सम कोर्सेज ऑफर्ड बाय द फ्यू यूनिवर्सिटीज वर ड्रॉप, कुछ हटा दी गई आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, सच इन्फॉर्मेशन वॉज डिस्प्ले ऑन द NTA, यानी कुछ कोर्सेज यहां से विदड्रॉ किए गए हैं। अब यहां पे क्या, इन सच केसेस, इस कंडीशन में करेंगे क्या कि यहां पे अगर कुछ यूनिवर्सिटीज में बदलाव है, कुछ सब्जेक्ट्स को कम किए गए हैं, तो उसके लिए यहां पे नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, इन सच केसेज इट इज लाइकली दैट कैंडिडेट मे हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन सेलेक्टिंग द टेस्ट एज पर द इनिशियल मैपिंग अप्लाइड फॉर द कोर्स विच आर नो मोर ऑफर बाय द यूनिवर्सिटी, हेंस ऑल द एप्लीकेंट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन आर एडवाइज टू। अब जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनके लिए क्या एडवाइस किया गया, रीविजिट द वेबसाइट, वो वेबसाइट को रीविजिट करें, ठीक, यूनिवर्सिटीज की या जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन उसके लिए, एंड रीकन्फर्म वेदर द कोर्स इन विच दे वॉन्ट एडमिशन आर स्टिल ऑन ऑफर बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे कि आपने जो फॉर्म जो लोग पहले फिलअप कर चुके हैं, फॉर्म जो स्टार्टिंग में जिन्होंने फिल किया है, आपको फिर दोबारा अपने फॉर्म को रिविजिट करना है। और रिविजिट करने का मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने चूज किया है उस यूनिवर्सिटी पे जाएंगे और देखेंगे वो कोर्स है कि नहीं है। रिविजिट द मैपिंग ऑफ द कोर्स टेस्ट NTA वेबसाइट आर इन द रिकन्फर्म द टेस्ट ऑप्टेड बाई देम। अब आपको रिकन्फर्म करना है, यानी आपको अपने फॉर्म में अगर जरूरत होगी तो मॉडिफिकेशन करेंगे और जरूरत नहीं होगी तो मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखा जाए यहां पे क्या लिखा गया है, विथ व्यू इनेबल एप्लीकेंट टू मेक चेंजेस इन द टेस्ट। अब आपको अगर कोई लग रहा है तो आप उसमें क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, ठीक, चेंज आपको करना है। कैंडिडेट आर विजिट सेड वेबसाइट आर मेक द डिजायरेबल चेंजेस इन द टेस्ट ऑप्टेड एनी टाइम बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन। आप लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन जो फॉर्म होगा तब तक आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इन केस अराइजिंग ऑफ सच करेक्शन कुछ एनी फीस ड्यू फॉर रिफंड। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि अगर कोई कोर्स इसमें से हट गया, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो जब आप उसे रीसबमिट करेंगे, रीचेक करेंगे,
तो आपके फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक, आपका अगर कोई एक्स आपने स्लॉट चूज कर लिया ज्यादा, आपको पेपर ऑफ इस यूनिवर्सिटी, जैसे सपोज दैट आपने जनरल टेस्ट भी सेलेक्ट कर लिया, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी सेलेक्ट कर लिया, अब जनरल टेस्ट का एग्जाम आपको नहीं देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का देना है, या फिर स्लॉट वन भी आपने सेलेक्ट किया, स्लॉट टू भी सेलेक्ट किया है, आपको स्लॉट वन में एग्जाम नहीं देना है। सो दिस एडिटिंग फैसिलिटी इज एडिशन टू द करेक्शन विंडो विच विल बी मेड अवेलेबल टू स्टेट अबव। अब ये जो आपको एडिटिंग करनी है वो एडिटिंग आपको करेक्शन विंडो में मिलेगा, और करेक्शन विंडो अवेलेबल होगा जब आपको करेक्शन की डेट दी गई है। ठीक है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड, डेट का जो एग्जामिनेशन की डेट है वो एनटीए अनाउंस करेगी और वेबसाइट पे आपको दिखेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट द अबव एंड अकॉर्डिंगली। अब आपको ये सारी चीजें नोट कर लेनी है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू इन टच विद द एनटीए, आप एनटीए के टच में रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, आपकी डेट बढ़ा दी गई है, 22 तारीख कर दिया गया है, 22 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये फिलअप फॉर्म की डेट बढ़ने से जो लोग यूपीसीटी यानी बी फार्मा में एकेटीयू में एडमिशन लेने के लिए यूपीसीटी का वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके सीयूटी के बारे में जानकारी नहीं मिली, तो अब एक उनको पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सीयूटी का फॉर्म करके डॉक्टर एपीए अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है वो अपने फॉर्म को रीचेक कर लेंगे, अगर कोई करेक्शन होता है तो वो जो एडिटिंग करेक्शन का जो डेट दिया गया उसी टाइम में अपन करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूं मैं कि यहां यूनिवर्सिटी पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यूनिवर्सिटीज में आने के बाद यहां पे आपको यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन मिलेंगे ये। और अगर हम देखें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी पे तो नीचे आएंगे और यहां पे हमको मिलेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप फिर यहां पे क्लिक करके देखेंगे बी फार्मा है कि नहीं, तो यहां पे देखें बैचलर ऑफ फार्मेसी यहां पे है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑब्लिक मैथमेटिक्स। तो यहां पे एक प्रॉब्लम बच्चों को बार बार आ रही है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज करना, तो स्लॉट वन एंड स्लॉट टू है, और बी फार्मा के जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है ये सारे सब्जेक्ट्स आपको स्लॉट टू में मिल जाएंगे। यानी स्लॉट टू अगर आप चूज करेंगे तो उसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट जो मिलेंगे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो वो आपको स्लॉट टू में तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, स्लॉट वन आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। तो स्लॉट टू में आपको तीन, अगर स्लॉट टू में वन में जाएंगे तो सिर्फ दो ही डोमेन सब्जेक्ट मिलेंगे, फिर आपको स्लॉट टू में आना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम स्लॉट टू प्रीफर करें जिसमें आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। इसी तरह से जिन बच्चों को लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है, बी फार्मा लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है, उसके लिए यहां पे जो दिया गया है कि आपको बी फार्मा में सिर्फ आपको कौन सा एग्जाम देना है, जनरल टेस्ट का देना है, और कोई पेपर आपको नहीं देना है। यानी जब आप टेस्ट सेलेक्ट करेंगे टेस्ट में जाके शेड्यूल स्लॉट वन स्लॉट टू में, तो जनरल टेस्ट आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, बाकी कोई और एग्जाम आपको नहीं देना है, स्पेशली फॉर द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के लिए। इसी तरह से इसमें आप देखें तो डिफरेंट कोर्सेज जो भी आपके केटीयू गवर्न करती है, डिफरेंट कोर्सेज के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको फिल करना है तो यहाँ जो आपका यूनिवर्सिटी टैब है इस टैब से आप जाके यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको सिलेबस देखना है आपका सिलेबस क्या है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेबस मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप देखें बी फार्मा के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो नीचे इस तरह से आएंगे हम, और यहाँ देखिए बायोलॉजी का ये सिलेबस है, इसी तरह से यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसी तरह से आपको सिलेबस मिल जाएगा। इस सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ये मैथमेटिक्स और ये फिजिक्स, तो इस सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप अपने आप की अपनी प्रिपरेशन करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए और आपको अपना जो मनपसंद इंस्टीट्यूशन है उसको आप सेलेक्ट करके काउंसलिंग के थ्रू आप उसको ऑप्ट कर लें। ठीक है, तो कोई भी डाउट कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।